फैसला नहीं हो सका है। पेश है एक रिपोर्ट। सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू के इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। राजद के फैसलों से कांग्रेस के साथ साथ माले में भी नाराज होने की खबर है। औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने नाराजगी जताई है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर भी अब टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को इस सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।